भाजपा मंडल बिसना में मंडल अध्यक्ष सुशील शर्मा की अध्यक्षता में नई ज्वाइनिंग कार्रवाई की गई, जिसमें मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष आर एस पुरा हरभजन सिंह पम्मी, प्रभारी जिला आर एस पुरा अयोध्या गुप्ता, उपाध्यक्ष भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा सतीश भारती, डीडीसी सदस्य धर्मेंद्र कुमार, महामंत्री जिला आर एस पुरा आकाश चोपड़ा, महामंत्री भाजपा मंडल बिसना सुशील कुमार उपस्थित रहे। इसमें तारा सिंह सलारिया ने पूर्व कांग्रेस नेता ने भाजपा का दामन थामा। साथियों, आपने भी ये देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में मुनीश सिंह जी, मंडल बिसना में आज कुछ नौजवानों ने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, जिनमें मुख्य रूप से तारा सिंह जी जो कांग्रेस के यूथ के लीडर थे, उन्होंने अपने साथियों समेत भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने नरेंद्र भाई जी के काम को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और मैं इनसे यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसे अपनाते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे डी डी सी के मेम्बर भी हैं, आज सबकी मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और जिस तरह से हमारी जो पार्टी की नीति होती है, उन नीतियों के ऊपर जो लोग काम करेंगे। आज मंडल बिसना भारतीय जनता पार्टी इस ऑफिस में हमने इस वो हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें यहाँ के मंडल ने जनरल भाटिया जी, उनके सासू जी भी मेरे साथी आकाश जी और डी डी सी के रविंद्र जी के सभी हम लोगों ने जहाँ पे जहाँ के जो नौ गाँव की टीम थी, तारा सिंह सलारिया जो एक्स युवा के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना है, भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा को समझा है, बताता भारतीय जनता पार्टी के साथ काम